नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। पीएम मोदी द्वारा अमेरिका को भेजी गई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का असर अब ट्रंप द्वारा भारत को दी गई सहायता के रूप में सामने आया है। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि भारत की इस मदद को वे कभी नहीं भूल पाएंगे। अमेरिका ने भारत से मदद के बदले 60 लाख डॉलर की सहायता देने का ऐलान किया है। बड़ी बात यह है कि एशिया के तमाम मुल्कों को अमेरिका द्वारा दी गई मदद में यह एक बड़ी धनराशि है। इससे पहले रूस की रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट निर्यात संस्था भी पीएमकेर्स में 20 लाख डॉलर की मदद दे चुकी है। अब तक इस फंड में 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि एकत्रित हो चुकी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में विदेशी और घरेलू मदद से यह फंड 30,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच सकता है, जो कोरोनावायरस से भारत की लड़ाई को और मजबूती प्रदान करेगा। खास बात यह है कि कल तक 10 लाख अमेरिकी डॉलर मिलने पर अमेरिका के आगे दोस्ती की दुम हिलाने वाला पाकिस्तान अब बगले झांकता दिखाई दे रहा है। अमेरिका द्वारा पिछले 20 सालों में भारत को कुल 2 अरब 8 करोड़ डॉलर की सहायता दी गई है, जिसमें से 1 अरब 40 करोड़ डॉलर स्वास्थ्य सुविधा हेतु दिए गए हैं। यह 20 सालों में पहली बार है जब अमेरिका ने एकमुश्त 60 लाख डॉलर की मदद दी है। चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका ने सहायता राशि को 50 करोड़ डॉलर करने की प्रतिबद्धता जताई है, जो कोरोना वायरस की जंग में अमेरिका द्वारा किसी एशियाई मुल्क को सबसे बड़ी धनराशि मानी जा रही है। दक्षिण एशिया में अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अफगानिस्तान को 8 मिलियन डॉलर, बांग्लादेश को 9.6 मिलियन डॉलर, भूटान को 5 मिलियन डॉलर, नेपाल को 18 लाख डॉलर और श्रीलंका को 13 लाख डॉलर की सहायता दी है। स्टेट डिपार्टमेंट और यूएस एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने भारत को आपातकालीन स्वास्थ्य, मानवीय और आर्थिक सहायता के लिए 50 करोड़ डॉलर देने की तैयारी कर ली है। यह मदद भी भारत को इसी महीने के अंत तक मिलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि ट्रंप के आग्रह पर भारत ने शनिवार को अमेरिका को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की 35,82,000 गोलियों की पहली खेप भेजी है। इसके साथ ही दवा के निर्माण में आवश्यक 9 टन फार्मास्यूटिकल सामग्री या एपीआई भी भेजी गई है। इसके बाद से अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को डैमेज कंट्रोल करने में जुटा है। व्हाइट हाउस द्वारा किसी विदेशी नेता के रूप में पीएम मोदी को फॉलो करना इसी संभावना के तौर पर देखा जा रहा है। इसी दौरान अमेरिका ने भारत को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइलें और टॉर्पीडो के सौदे को मंजूरी भी दे दी है। यानी पीएम मोदी द्वारा अमेरिका को दी गई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अपना काम कर गई है। केवल इस एक कदम ने भारत और अमेरिका रिश्तों को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। पर मामला यही खत्म नहीं होता। भारत को अमेरिकी संबंधों का जल्दी ही बहुत बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। कोरोना वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते हुए ट्रंप ने चीन से कारोबारी रिश्ते सीमित करने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और जापान अपनी सभी कंपनियों को चीन से वापस बुला सकते हैं। ऐसी स्थिति में भारत एक बड़ा बाजार होने और जी20 देशों में बेहतर हालात के चलते इन कंपनियों का अगला विकल्प बन सकता है। इन देशों की 600 से ज्यादा कंपनियों को भारत की ओर आकर्षित करने के लिए मोदी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। बड़ी बात यह है कि वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी 2020-21 में भारत की जीडीपी 7% से ऊपर रहने का अनुमान जाहिर किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि आर्थिक विशेषज्ञों ने भी आगामी वर्षों में भारत के एशिया की सबसे बड़ी ताकत बनने का अनुमान जताया है, जबकि चीन के भारत से पिछड़ने का अंदेशा प्रकट किया है। मोदी सरकार दुनिया में बदलते शक्ति संबंधों के अनुरूप ही कदम बढ़ा रही है। साथ ही उन देशों में भी अपना प्रभाव बढ़ा रही है जो भारत के कुछ हद तक खिलाफ रहे हैं। इस कड़ी में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा ने बड़ी भूमिका निभाई है। भारत में इस दवा का पूरी दुनिया का 70% निर्माण होता है, इसलिए भी दुनिया के सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं है और भारत यह सुनहरा अवसर बिल्कुल भी गंवाने के मूड में नहीं है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आओगे, आपसे शीघ्र भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।